केंद्र सरकार का जल जीवन मिशन हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में वर्षों पुरानी पेयजल समस्या को दूर करने में कारगर साबित हो रहा है। मिशन के अंतर्गत प्रदेश में युद्ध स्तर पर काम जारी है और हर घर तक पाइपों का जाल बिछाकर नल के माध्यम से पेयजल मुहैया करवाया जा रहा है। राज्य सरकार ने अगले वर्ष तक प्रदेश के हर घर को नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल देने का लक्ष्य रखा है और इसके अंतर्गत नई पाइपें बिछाने व टैंक बनाने का काम किया जा रहा है। शिमला ग्रामीण क्षेत्र की शकराहा पंचायत में लोग दशकों से पेयजल किल्लत का सामना कर रहे थे और उन्हें कई किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाना पड़ता था। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब हर घर में नल लगाए गए हैं और लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। टीम आई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम तो बोलेंगे कि बहुत बढ़िया है। काफ़ी जो है वो लोगों को अब जो पहले जितनी दिक्कत थी, भी पानी आता था कभी 3 दिन में आता, कभी 4 दिन में आता था, तो वो समस्या दूर है अब लोगों के लिए। चलो अपना रूटीन में पानी मिल रहा है, बहुत बढ़िया। सर पहले पानी कम था, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन का भी थोड़ा दिक्कत थी, और फिर पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। अब जब से JJMI से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है और उस लोगों को उसका बेनिफिट हुआ है। पानी का जी हम अगर पहले ढो के करना पड़ता था ना जी, कभी बहुत दूर जाना पड़ता था ढोने के लिए, कभी नीचे नाले से लाना पड़ता था, पर अब जब से नया कनेक्शन लगे तब से पानी हमारे आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी पहले हम लोगों को बड़ी दिक्कत आती थी पानी के बारे में, ढो के पानी करना पड़ता था, लेकिन जब से ये नलके लगे हैं तब से लोगों को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी मिली है। यहाँ कम से कम 40 से 45 घर है जिनमें अभी कोई भी दिक्कत नहीं है पानी की। जल जीवन मिशन के तहत घनाटी क्षेत्र में 8 बड़े टैंकों का निर्माण किया गया है और अभी तक करीब 1200 नल लगाए गए हैं। जल शक्ति विभाग का प्रयास है कि पेयजल किल्लत से जूझ रहे हर इलाके को जल्द से जल्द नल के माध्यम से जल पहुंचाया जाए। इस योजना के तहत अभी तक हमारे पास 8 टैंक बन चुके हैं और 2 टैंक अभी बनने बाकी हैं, और लगभग हमने 60% कार्य इस स्कीम का कर दिया है, और हमारा टारगेट है कि 31 मार्च 2022 तक इसको हम पूरी योजना को कंप्लीट करके जनता को सुपुर्द कर दें। हिमाचल में अनेक ऐसे इलाके हैं जहां गर्मी के मौसम में पेयजल की भारी किल्लत रहती है। ऐसे में जल जीवन मिशन इन इलाकों में पेयजल की कमी को दूर करने में अहम भूमिका निभा रहा है। DD News के लिए शिमला से योगराज की रिपोर्ट।